हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमें जो कि रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर कोई, हमने पिछला वीडियो में हमने देखा कि एक प्रिज्म से अगर लाइट को पास कराया जाता है, वो है जो कि सेवन कलर में टूट जाता है। तो वो जो सेवन कलर स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है उसको विबीग्रो नाम से जाना जाता है, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज और रेड। ठीक उसी तरह अगर वो व्हाइट लाइट को स्क्रीन पे ना गिरा करके हम किसी दूसरे प्रिज्म पे गिरा दें, उसके उल्टा करके, अगर वो प्रिज्म को उल्टा करके रख दें और वो है जो कि लाइट है जो कि सेवन कलर है वो उस प्रिज्म पे गिरे, तो क्या होगा? तो आज हम वही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं इसमें। तो क्या है टॉपिक? रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर कोई प्रिज्म है, दो प्रिज्म है, पहला तो अगर हम इधर ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी, तो यहाँ लिख देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश। यानी कि एक प्रिज्म है जो कि सीधा लिए हैं, जिसका प्राइमरी प्रिज्म एंगल क्या है, ऊपर है, प्राइमरी एंगल ऊपर में है, और दूसरा प्रिज्म को जस्ट हम अपोजिट कर दिया, उसका उल्टा कर दिया, यानी कि प्रिज्म एंगल या तो फिर प्राइमरी एंगल नीचे रहेगा। अब जो सीधा वाला है, सीधा जो प्रिज्म है उससे है जो कि व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है। अब ये व्हाइट लाइट इससे गया, ये हम पिछले वीडियो में देखे, ये कितने कलर में टूट जाता है, सेवन कलर में। इसके बीच में मान लीजिए पूरा सेवन कलर आ जाता है। अब हम क्या बोले, अगर हम वही लाइट को है जो कि प्रिज्म पे गिराएं दूसरा प्रिज्म पे, तो क्या होगा? अब हमने देखा कि ये है जो कि प्रिज्म है जो कि सात कलर को बांट रहा है, तो ये जोड़ने का भी तो काम करेगा, तो ये यहाँ पे वही हुआ, ये क्या किया, सातों लाइट को जोड़ दिया। किस में? व्हाइट लाइट बनाने में। यानी कि ये क्या किया, ये सातों लाइट एक जगह पे जाके फिर मिल गए। देखिए पहला प्रिज्म ने हमें जो कि लाइट को पास कराया, तो ये कितना कलर में टूट गया, सेवन कलर में। अब यही सेवन कलर है जो कि क्या हो गया, कंबाइन हो रहा है धीरे धीरे, किससे, प्रिज्म से, जब उसको वापस दूसरे प्रिज्म से पास कराया। और जब ये कंबाइन हो गया तब ये क्या बन गया, एक व्हाइट लाइट बन गया। तो यानी कि अगर कोई सिंगल लाइट है जो कि सिंगल मतलब कि सीधा वाला जो प्रिज्म है उससे पास कराया जाता है, वो है जो कि सेवन कलर में टूटता है, वो स्क्रीन के गिरने के बजाय अगर किसी उल्टे प्रिज्म पे गिराते हैं तो क्या करेगा, वापस व्हाइट लाइट बना देगा। यानी कि हम समझते हैं कि यह तो सिर्फ तोड़ने का काम नहीं करता, स्प्लिट करने का भी काम नहीं करता, खाली ये क्या काम करता है अलग से, इसको रिकम्बाइन का भी काम करता है, रिकम्बाइन का वापस जोड़ने का भी काम करता है। तो आपको समझ में आ गया है रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर किसी सिंगल प्रिज्म से अगर लाइट को पास कराया जाता तो वो सेवन कलर में टूट जाता। अब वही सेवन कलर को है जो कि इन्वर्टेड प्रिज्म के से ऊपर से पास कराया जाए तो वो व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये सनलाइट गया फिर सेवन कलर में टूटा, फिर ये सेवन कलर है जो कि प्रिज्म से होकर के ये व्हाइट लाइट में बन गया। तो आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो पर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही कमेंट में यह बता दे वीडियो कैसा लगा।